राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। पानी में हमारा सब कुछ बह गया, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, अच्छा समय नहीं रहा, ये बुरा समय भी नहीं रहेगा। वक्त कैसे भी गुजर जाता है, वक्त की एक अच्छी बात है। रानी बिटिया को जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। ए जंगली, जन्मदिन की बधाई ऐसे देते हैं? हाँ बेटी, चलो उठो, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है।
आज उसका जन्मदिन है और घर में कुछ नहीं। माँ, वो मास्टर जी है ना, उन्होंने ड्राइंग की कॉपी लाने को कहा था। कितने की आती है? 50 पैसे की। ये ले 1 रुपया, बाकी 50 पैसे संभाल के लाना। कल की तरह आज भी फूलों की बिक्री नहीं हुई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। चलो बादशे पे लगा, बादशे पे लगा, बादशे। चलो चलो जल्दी चलो। 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। चलो बादशे पे लगा, बादशे पे लगा। चलो 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10। भैया भैया, मुझे ये चूड़ियां चाहिए। अभी नहीं, बाद में। चलो 1 का 10 10 का 100। चलो बादशे पे लगा, बादशे पे लगा। 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। चलो बादशे पे लगा, बादशे पे लगा, बादशे पे लगा। चलो 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। चलो बादशे पे, बादशे पे, फटाफट चलो। 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। तुझे चूड़ियां चाहिए ना, तो चल। 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। चलो बादशे पे लगा, बादशे पे लगा। धक्का मत मार करण, तूने मेरे जेब से रुपया निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। आप दिखाओ, ये देखो, पीछे दिखाओ। ओहो, ये देखो। झुक के सर दिखाओ। क्या भैया, बता बता, मैंने रुपए नहीं लिए, मैंने रुपए नहीं लिए। ठीक है, तू घर चल, मैं माँ से कहूंगा कि तूने रुपए चोरी किए हैं। चल जल्दी लगा, बाशे लगा, बाशे लगा। चल जल्दी लगा। ये रहा 1 रुपया, यही है बादशाह। गुलाम पे मेरा है। ये तू तो बड़ा होशियार है यार। लाओ 10 रुपया। चल जल्दी लगा, 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। चलो बाशे लगा, 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। जल्दी जल्दी लगा, बाशे लगा, 1 का 10 10 का 100, 1 का 10 10 का 100। यही है बादशाह, लाओ 100 रुपया। माँ कहाँ है? मंदिर में है। माँ! अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना? क्या है ये? 90 और 5 95 रुपए। ये कहाँ से आए तेरे पास? बोल कहाँ से आए? सच बताऊँ? हाँ। फुटपाथ पर एक आदमी 3 पत्तों का खेल खेल रहा था। 1 के 10, 10 के 100, 1 के 100 हो गए। तूने जुआ खेला? तुझे शर्म नहीं आती? जी माँ, क्योंकि तुमको तो पैसे चाहिए थे। मुझे नहीं चाहिए तेरे गंदे रुपए। और सुन, फिर कभी जुए के पास फटका तो हाथ जलाकर रख दूंगी, समझे? तूने तो कहा था 100 रुपए और मुझे दिए 95। 5 रुपए कहाँ गए? देख करण, मुझे और गुस्सा मत दिला, बता कहाँ गया 5 रुपए? मैंने सोमन के लिए 5 रुपए की चूड़ियां ले ली थी। ये चूड़ियां गंदी है बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छी चूड़ियां ले आऊंगी। टूटी नहीं, इसका मतलब ये गंदी नहीं, अच्छी है। लो। सुलक्षणा देवी, सुलक्षणा देवी। ओ रूपचंद जी, आप? नमस्कार। मैं आपका किराया लेके आती हूँ। अजी, मकान का किराया ही सब कुछ नहीं है, आखिर हम भी कुछ हैं। कभी अंदर तो बुला लिया करो। ऐसे तो कोई बात नहीं, चलिए अंदर। आइए आइए आइए, बैठिए। ये लीजिए आपका किराया। सुलक्षणा देवी, नहीं, मैं कहता हूँ वैसा करो, रख लो इसे। लेकिन मगर क्यों? देखो, मैं व्यापारी जरूर हूँ मगर मेरे सीने में भी दिल है,
मुझसे तुम्हारा यह हाल देखा नहीं जाता। कोई बात नहीं, ये मुसीबत के दिन भी टल जाएंगे। अजी ये मुसीबत तो तुम्हारी दो मिनट में दूर कर दूं, मगर तुम हमारी तरफ आंखें उठा के देखती ही नहीं। रूपचंद जी कहा है का रूपचंद, रूप तो तुम्हारे पास है और उस पर मिट्टी जम रही है। देखो मेरे पास इससे भी एक बड़ा मकान खाली है, अगर तुम चाहो तो। रूपचंद ये लॉक निकला है, निकल जाओ यहाँ से, आइंदा मुझसे ऐसी बेकार बात मत करना। अच्छा बेकार की बातें सुनना पसंद नहीं है, तो लो अब काम की बात सुन लो। इस मकान का डिपॉजिट है 10,000 रुपया, जिसमें से तुमने 5,000 रुपए दिए और 5,000 देने का वादा किया था। एक हफ्ते के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे 5,000 भी खा जाऊंगा और तीनों पिल्लों के साथ सामान को उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा, समझे? 7 दिन का वक्त है, अगर 5,000 नहीं मिले तो सबको उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा। चले आते मंगे कहीं के। जय लक्ष्मी माता प्रसन्न, जय हो तुम्हारी कृपा दृष्टि। बच्चे को ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं राक्षस है जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। माँ छोड़ दे, करण तुम मेरे लिए मर गया है, तुम मर गया है मेरे लिए। आज से मेरी एक बेटी और सिर्फ एक बेटा। कोई वास्ता नहीं, ये मेरा बेटा नहीं, ले जाइए इसे। हाँ जी कहिए जी। देखिए मेरा लड़का यहाँ रहता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलने का टाइम 4 से 5 बजे तक है, तब आइए। लेकिन मैं 3 बजे की गाड़ी से बॉम्बे जा रही हूँ, उससे मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी। एक मेहरबानी कीजिए, ये मेरा बम्बई का पता है, जैसे वो छूटने वाला हो मुझे इस पते पर चिट्ठी डाल दीजिएगा। बड़ा परेशान करते हैं आप लोग। क्या नाम है लड़के का? करण। क्या? करण कुमार। आपको हमारी चिट्ठी नहीं मिली? कैसे चिट्ठी? आपका लड़का तो यहाँ से भाग गया है। जी जी हाँ, हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी।
जैसे ही पकड़ा जाएगा इस एड्रेस पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक तो है बेटे, चोट तो नहीं आई? कहाँ जाना है लेके? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ रहते हो बेटे? मैं तो कहीं नहीं रहता, मैं तो आज ही आया हूँ। ये रुपया लो और कुछ खा लो। सुनिए, आज तो मैं इस रुपए से खा लूंगा, कल क्या होगा? ये तो गले पड़ गया यार। चंदू भाई ऐसा कीजिए, इसे अपने गैरेज में रख लीजिए, विनोद का दिल भी बहल जाएगा। ठीक है काशीराम, चलो बेटे। चल बेटा आओ, बेटे आओ, ये है अपना गैराज। विनोद, करण तुम यही करो, मैं अभी आता हूँ। हेलो, जी हाँ मैडम, मेरा नाम ही विनोद है, मैं ही इस गैराज का मालिक हूँ जी। अरे आपको एक वैन चाहिए ना? मिल जाएगी। कितना सामान है? अच्छा सर एड्रेस बताइए जी। जी हाँ जी हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, बिल्कुल समझ गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अजीब पागल औरत है। करण कहाँ है? उधर अपने महल में। करण, ओ करण, अरे ये उसका एक माउथ ऑर्गन, ओ बस कर यार। करण, ओ सुन रहा है कि नहीं? ओ बस कर यार। करण, हाँ बोल। अरे सांता क्रूज़ ये वैन ले जानी है। अच्छा आता हूँ। करण ये लो एड्रेस। अरे सांता क्रूज़ से सामान लो और बांद्रा जाके छोड़ दो, इतना सा काम है बस। क्या बात, काम करवाना तो कितना आसान कर दिया। सांता क्रूज़ से सामान लो और बांद्रा जाके छोड़ दो। अरे ये क्यों नहीं कहते कि पहले सांता क्रूज़ जाओ, फिर वहां ये पता ढूंढो, फिर पते पर पहुंचो। अच्छा अच्छा मान गया कि तुम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम करने जा रहे हो। क्या बात कर रहा है, ये तो मेरा फर्ज है यार। थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है शांता? करण भैया, भैया ये लीजिए फूल। थैंक यू। कैसे हो काशीराम चाचा? बस चल रहा है भैया। अरे चाचा क्यों सुबह शाम बीड़ी पीते रहते हो और खांसते रहते हो? क्या बताएं भैया, पहले बीड़ी पीते थे तो खांसी आती थी, अब नहीं पीते तो खांसी आती है। शांता समझाओ अपने बापू को, समझाओ सुबह शाम खांसते रहते हैं। चलता हूँ। जी वो आप ही का सामान ले जाना? जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की, रोज करती हूँ, समझे यार? जी। अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ ड्राइवर से बातें क्यों करती, ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे कब से इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर सामान तुम ही उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता, इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मेम साहब कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है सामान ले आओ, पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? बिट्टी भर के छोकरे एडवांस मांग रहे। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए, जब तक लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती पर्स में। ड्राइवर मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं? दे रही हैं जी। ये एडवांस। एडवांस ले आओ सामान। अरे लैंप संभाल के। मैम साहब 15 रुपए। ये लीजिए 20 रुपए हो गए। खाने जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो बैठिए। तुम क्या समझते हो
मैं ड्राइवर के साथ बैठूंगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब, गाड़ी के दो ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे। आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है, एक काम कीजिए मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैंप संभाल के। क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था, वो भी बिल्कुल ऐसी बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मैम। ड्राइवर गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मैम। ए बनरिया, ये ले केला, खाले खाले। अरे 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 मैम साहब, बेचारे लैंप को तो कुछ नहीं हुआ ना। मैं आगे बैठूंगी। Relax. ड्राइवर तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस। यस क्या? चलिए, वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं, किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए, कल आ पाई नहीं इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम, ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। बड़ा अजीब आदमी है। बम्बई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो क्या, और अब मुझे भी जाना है। अब ये बताइए कि आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है, बम्बई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबेरॉय, हॉलिडे इन, जहाँ कहीं वहाँ पहुँचा देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण, मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा, कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो आई बी वेरी ग्रेटफुल, यू नो। अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती या नहीं, आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली हैं। नहीं नहीं, तो क्या हुआ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं, चलो कहाँ है जगह? जगह देख लीजिए। आइए मेम साहब, ये मेरा घर है। ये? मगर ये तो बस है। बस यही मेरा घर है। तुम क्या समझते हो मैं इस बस में रहूंगी? मेम साहब माना कि ये बस है, मगर ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना, आज आपको मेरे से बात देखने वाला और कोई नहीं है। आइए, ये रहा मेरा आशियाना और आज आपका ठिकाना। तो तुम इस बस में रहते हो? जी हाँ, मैं हमेशा बस में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमेशा आपके बस में रहूं। शट अप, मैं सोऊंगी कहाँ? यही इस बस्तर पे। बस्तर? जी हाँ, बस में जो बिस्तर बिछाया जाए उसे बस्तर कहते हैं। बस्तर कहते हैं, कहते होंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बस्तर, आई मीन बिस्तर कहाँ है? मेरा क्या है मेम साहब, मैं यही कहीं किसी कोने में सो जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इस बस के बाहर सोगे, आउट। कमाल है, आप मुझे मेरे ही बस से उतर रही हैं। तो तुम चाहते हो कि इस कमरे में, आई मीन इस बस में, मैं यहाँ और तुम यहीं? अरे मैंने तो जोक किया था, और आप सीरियस हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ नहीं है, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, जरा देर हो जाएगी। और हाँ, तुम सो जाना, मेरा इंतजार नहीं करना। हम करण के दोस्त हैं। करण के साथी हैं, ये करण का गैंग है। यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें बहुत पास से देखना चाहते हैं, तुम्हें छू कर देखना चाहते हैं। Thank you.
देख रहा है? अरे कल रात इस बिस्तर पे लड़की थी, बिस्तर तो है, लड़की कहाँ गई? यार तू तो सो रहा था और उसने सुबह सुबह आकर जो मेरी क्लास ली, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा बहन जी मैं ही छोड़ाऊंगा आपको, छोड़ाया। अरे सुन, उसने मेरे 20 रुपए दिए। अरे छोड़ उस 20 रुपए को और तैयार हो जा, दादर जाना है गुरदीप कॉन्ट्रैक्टर के पास। दादर शांति बेटी, ये ले फूल, इसे लड़ी में पिरो दे। करती हूँ। करण भैया अभी आती बाबा। हाँ हाँ, पहले जाके करण को फूल दे दे, फिर कुछ काम करना। ये लो तुम्हारा आज का फूल। थैंक यू। जानती हो शांता, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ भी फूल बेचा करती थी, न जाने कहाँ खो गए सब मेरे अपने। हम भी तो तुम्हारे अपने ही है करण भैया। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो। पिताजी, पिताजी,
तो जिप्सी। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का फांसी हो जानी चाहिए। इसने इसने उस बूढ़े को अपनी वो जीप कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, वो जीप भी तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस मर्दान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे 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 हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। जहर खा लिया? कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ। मुझे उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब, मुझे तो लगता है ऐसी आदमी था। एक्सीडेंट देखा तो मैं? अरे बच्चे, अभी तू उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है, सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को, और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई, तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहां गई? बोलना, कहां गई जीप? मैं बताता हूं, वो देवराज कामत का आदमी। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए। विनोद। हाँ। विनोद, वो लड़की जो उस दिन आई थी, उसका पता है तेरे पास? हाँ है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? उसके तीन वजह हैं। एक ये कि उसका स्कार्फ यहाँ रह गया। ओ। दूसरा ये कि मुझे उससे 20 रुपए वापस लेने हैं। और तीसरा मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा, समझ गया, मैं भी लेके आता हूँ। सुनिए, तुम्हारा ही नामकरण है। तुमने वो जीप रोकी थी जिसमें गैर कानूनी सामान था? अगर मैं कहूं हां मैंने ही रोकी, तो मैं कहूंगी तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो मैं पूछूंगा उसको एक का नाम। जब मिलोगे तब नाम पता चल जाएगा। ठीक है, आपसे तो मिलने आऊं, कम से कम आप ही का नाम पता चल जाए। मेरा नाम शिबानी है। शिबानी, अच्छा नाम है। तुम मेरे साथ चलोगे उस कोई से मिलने? मुझे नाम अच्छा लगा, शिबानी, इसलिए मैं जरूर चलूंगा। बताइए कहां चलना है? इस घर का जो भी मालिक है उसे ऐश रहना आता है। ये तो उसके बहुत से घरों में से एक छोटा सा घर है। बात है करण। तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई। और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। लेकिन आपकी खुशी की वजह तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। ढोलकिया जिसकी वैन को तुमने रोका था वो मेरा दुश्मन है। मेरा नाम देवराज कामत है। मैं जानता हूं तुम शराब नहीं पीते, ये लीची का शरबत है। थैंक यू। कामत साहब, आप मुझसे चाहते क्या? मैं चाहता हूं इन लोगों की तरह तुम भी मेरे लिए काम करो। मगर आप ये क्यों समझते कि मैं तैयार हो जाऊंगा? इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन से गैरेज में काम करते हो, कितना कमाते हो, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोग भी जब पहली बार मेरे पास आए थे तो इनके हालात बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, लेकिन आज इनके पास सब कुछ है जो दौलत खरीद सकती है। तुम क्या सारी जिंदगी उस पुरानी बस के पिंजरे में गुजारना चाहते हो? कामत साहब, मानना पड़ेगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते, मैं अपने हालात अपनी जिंदगी से खुश हूं। फिर भी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस लीची की शरबत का, सचमुच बहुत अच्छा था। थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। इट्स ओके शिवानी, वापसी का रास्ता मुझे याद है। शिवानी, रतन ढोलकिया को फोन लगाओ। हेलो, हमें रतन ढोलकिया बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? रतन ढोलकिया जिसने तुम्हारे आदमी को पकड़वाया और तुम्हारी वैन को लूटा, उसका नाम है करण। मैं उसका तो टिक्का मुट्टी करवा दूंगा। और सुनो, वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? हेलो, मगर तुम कौन हो? सर, मैं कुछ समझी नहीं। रतन ढोलकिया करण के पीछे पड़ जाएगा और करण अपनी जान से जाएगा। अगर बच गया तो करण के पास एक ही रास्ता होगा, रतन ढोलकिया के दुश्मन यानी मेरे साथ आ जाएगा।
पर उससे पहले देखना है कि करण मरता है कि बचता है। क्या भाई साहब? अबे निकल। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब मैंने क्या किया? बताता हूँ तुझे। ला तू जा। अरे अरे आपको गलतफहमी हुई है। चल निकल। अरे अरे ये काले है, ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? है? मैं कौन हूँ? महेश। ये पुत्ते मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुत्ते मैं कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना? थक गए होंगे। जब जाकर दारू मारो, सबको दारू मिला। चल रहे। हाँ बेटा बोल। ये सब किसके इशारे पे किया तुमने? है? किसका आदमी है तू? बोल। मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलवंत, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोल ना बेटा, बोल ना, तू किसका आदमी है? बोल ना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो बस, समझ गया। तो वो ये है ना, गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा एक साला। अरे बलवन, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसको? बोल ना। करना क्या भाई साहब, खत्म कर दो साले को। अच्छा चल ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है, और जब तुझे समझ में आएगा हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। गिल साहब, दारू पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई, चलो ये तमाशा भी दिखाई देते हैं। कमीने। ऐसा चीरहरण कभी देखा था तुमने? भाई साहब कहां जाएगा साला? लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और पुलिस स्टेशन पर फोन कर दो कि करण नाम के एक आदमी ने पुलिस अफसर का खून कर दिया है। हमारे 10 आदमी गवाही दे देंगे। कहां जाएगा साला?
सच यह है कि यह खून मैंने नहीं किया। यही सच। एक सच यह भी है कि रतन ढोलकिया ने जो सबूत और गवाह पुलिस के हवाले किए हैं तुम्हें खूनी साबित करने के लिए काफी हैं। इसका मतलब मैं बच नहीं सकता। बच सकते हो अगर मैं बचाना चाहूं तो, मगर दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है। आप ठीक कह रहे हैं देवराज कामत साहब, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। गुड, मगर पहले यहां से तो निकल भूल जाओ ये खून ये इल्जाम सब भूल जाओ। अब तुम्हें अदालत में बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा और थोड़ा खर्चा आएगा बस। यही है इसने इंस्पेक्टर का खून किया। अच्छा सर, ये इस केस की फाइल। तुम यही ठहरो, अभी आता हूं। हॉस्पिटल के रजिस्टर, डॉक्टर की रिपोर्ट और नर्सों के गवाही से यह साबित हो चुका है कि जिस दिन इंस्पेक्टर गिल का खून हुआ मेरे मुवक्किल मिस्टर करण कुमार एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बीमार पड़े थे। लिहाजा मिस्टर करण कुमार पर यह खून का इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है। तमाम सबूत और गवाहों के बयानों को सामने रखते हुए अदालत मुलजिम करण कुमार को बेकसूर करार करती है और बाइज्जत रिहा करती है। क्या नाम बताया? सुलक्षणा देवी। मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें इसी दफ्तर में आते हुए देखा था। अरे ये वही है शर्मा जी जिनके दुकान में झगड़ा वगैरह है ना, हर महीने तो आती पैसा जमा करने। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, मैं पता निकाल कर रखता हूँ, तुम कल आओ। शुक्रिया। हाय, तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो मैं, चलो कामत साहब तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। जी ये तो हॉस्पिटल है। हाँ, यही तुम्हारी हर परेशानी का इलाज होगा, आओ। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर यहाँ क्यों? इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर देवराज कामत हैं। ओह, तो कामत साहब डॉक्टर हैं, जो एक तरफ हॉस्पिटल चलाते हैं और दूसरी तरफ। बात कुछ अजीब नहीं है? सोचो तो बात अजीब है और समझो तो बहुत सीधी। एक आदमी से नाजायज फायदा उठाना हो तो उसे रिश्वत देनी पड़ती है, और सारे समाज से नाजायज फायदा उठाना हो तो ये हॉस्पिटल एक रिश्वत है जो आपने समाज के लिए। इसके और भी बड़े फायदे हैं, मगर छोड़ो, इस वक्त हम तुम्हारे फायदे की बात करेंगे। मगर हाँ, उससे पहले एक बात बता दूं, जो जिंदगी मैं तुमको दे रहा हूं एक महल की तरह है जहां हर सुख मौजूद है, मगर क्या है कि इस महल के दरवाजे सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। जो एक बार अंदर आ जाए वो बाहर नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं। वेरी गुड शिवानी, ये लो गोल्फ रिंग्स में तुम्हारे मकान की चाबी और तुम्हारी कार। बाहर पार्क है और तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा आके ले जाना। कल से तुम हमारे लिए काम शुरू कर रहे हो। कामत साहब, कल से नहीं, मैं आपके लिए परसों से काम करूंगा। कल मुझे एक बहुत जरूरी काम है। एक गुलदस्ता चाहिए था,
किसी दोस्त का जन्मदिन है तो इनमें से देख लीजिए, शायद कोई पसंद आ जाए। ठीक है, 80 रुपीज। मैं आपसे मिला हूं, कहीं देख चुका हूं, आपको कुछ याद है? जी नहीं। गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। तो सुनिए, मैंने आपको कोर्ट में देखा था, ठीक है? जी हाँ ठीक है, मगर एक बात बता दूं, सच पूछे तो मैं बेकसूर था। देखिए, मेरा इन बातों से कोई संबंध नहीं। आपका चेंज। अच्छा, अब आपको ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपका संबंध है। मुझे हाथ देखने का थोड़ा बहुत शौक है। जब आप मुझे पैसे दे रही थी तो मेरी नजर आपके हाथों की लकीरों पर पड़ी। आपके हाथों की लकीरें यह बताती हैं कि आपकी एक बेटी और दो बेटे हैं। जी नहीं, मेरी एक बेटी और एक ही बेटा है। आपको और कुछ चाहिए? जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। माँ, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ और आज फीस भी भरनी है। ठीक है, देती हूँ। और कुछ किताबें भी खरीदनी है। ये ले। सुमन, तुम अंदर जाओ। मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। क्या बात है माँ, कौन था ये आदमी? कोई खतरनाक मुजरिम है, मैंने उसे कोर्ट में हथकड़े पहने देखा था। तुमने देखा नहीं कैसे घूर घूर के देख रहा था तुम्हें? जैसे सुनिए सुनिए, ये आपके पैसे रह गए थे वहां, और ये गुलदस्ता। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? मुझे अपने बचपन का वो दिन याद है जिस दिन माँ ने कहा था कि मेरा एक ही बेटा है। उसने आज भी यही कहा कि मेरा एक ही बेटा है, तो मैं क्या कहता? मैं कहता कि नहीं, मैं हूं तेरा दूसरा बेटा, मैं जिसे चंद रोज पहले अदालत में तुमने हथकड़ी पहने देखा था। और तुम क्या समझते हो, वो मुझे स्वीकार कर लेती? नहीं, कभी नहीं। पर सुमन की बात और है, मैंने उससे मिलने की कोशिश की। किससे मिलने की कोशिश की थी? कभी हमसे भी मिलने की कोशिश करो ना। हेलो शिबानी, ये शिबानी है विनोद। विनोद हेलो। हेलो, कहो। कुछ बात करनी थी तुमसे। अच्छा करण, मैं चलता हूँ, कहीं जरूरी काम से जाना है। ओके ओके, बाय बाय। डॉक्टर साहब का मैसेज है, आज रतन ढोलकिया के आदमी 50 लाख की चरस ला रहे हैं। तो करना क्या? ये चरस शहर के ड्रग मार्केट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। छीनो, दरिया में फेंक दो, आग लगा दो, जो चाहो करो। We'll be right back.
करो। जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ठीक कह रहा है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा तू हाथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि हम आज तेरे हाथ ही निकलवा देंगे। नहीं रतन भाई, मुझे माफ कर दो रतन भाई, मुझे माफ कर। भाई साहब करण को ज्यादा ही खेलता जा रहा है, उसको भी फिट करना है, उसको भी रतन भाई। हेलो मिस मधुसेन, अच्छा हो गया आपसे मुलाकात हो गई। आप अपना स्कार्फ मेरे बस में जानबूझकर भुलाएं। जानबूझकर? क्या मतलब? मतलब साफ है मिस मधुसेन, आपने सोचा होगा कि मैं आपका स्कार्फ वापस करने आऊंगा ही, और इसी बहाने आपकी मुझसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। क्यों? देखिए मिस्टर, मिस्टर आपका अपना करण कुमार। जी हाँ मिस्टर करण कुमार, मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं, और जिस तरह मैं वो स्कार्फ वहाँ भुलाई थी, मैं ये भी भूल जाना चाहती हूँ कि कभी मैं आपसे मिली हूँ। आप मुझे भूल सकती हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो भी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता कि आपको मेरे 20 रुपए देने। ओह, ये 20 रुपीस, जस्ट अ मिनट, चेंज है 100 का? आजकल छुट्टे की बड़ी मारामारी मेम साहब, और मुझे तो छुट्टे ही 20 रुपए चाहिए। ठीक है ठहरो, जब बिल दूंगी तो छुट्टा भी मिल जाएगा। 4 लाख, अभी इसी बहाने मुझे रोक लिया, बड़ी शरीफ लड़की है। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? ठीक है मैं अपना मुंह चाय से बंद कर लेता हूँ। वेटर, फिजा में ये मस्ती कैसी? लगता है उस धुएं का नशा है। कितने घड़े चाय लाऊं? ज्यादा नहीं, बस 2 घड़े चाय। बस 2 घड़े? तुमने चाय में डालने के लिए सीमेंट और ईंटें तो मंगाए नहीं। मैं चाय में सीमेंट और ईंट कभी नहीं डालता, शरीफ आदमियों की तरह ऊंट पे बैठ के चाय पीता हूँ। वेटर, 2 घड़े चाय और एक गर्मा गर्म ऊंट लेकर आओ। थैंक यू। पागल हो गए हो क्या? आज इस होटल में ऊंट कैसे मिल सकता है? आज तो संडे है, संडे है, संडे है, संडे है, संडे। आज संडे कैसे हो सकता है? संडे को तो होटल घूमता नहीं, ये तो घूम रहा है। इस होटल के ब्रेक फेल हो गए हैं, इसलिए घूम रहा है। ब्रेक फेल हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ, अगले इलेक्शन में इस पर बात करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया? मेरे हाथ कहाँ गए? मेरे हाथ कहाँ गए? नीचे देखो कहीं गिर तो नहीं गए? मिल गए। एक बात बताओ, मैं जाग रही हूँ कि सो रही हूँ? तुम तो सो रही हो, मगर तुम्हारी आंखें जाग रही हैं। बाबा रे, ऐसा नहीं कहते? तो फिर कैसे कहते हैं? हे बाबा रे बाबा, हे बाबा रे बाबा, ये क्या हो गया, आंखें हैं जागी, तन सो गया।
पड़े सो रहे, उठो उठो भाई यार, ये सुबह सुबह कहाँ धमका यार। अरे कुछ नहीं, उस हरामजादे पीएन श्रीवास्तव के पास गया था पेमेंट मांगने के लिए,
पिछले महीने गया तो कहने लगा 18 नवंबर को आओ, अब आज 18 नवंबर को गया तो कहने लगा दिसंबर में आओ। क्या आज 18 नवंबर है? हाँ, क्यों? अरे आज तो सुमन का जन्मदिन है। कब से बुला रही हूँ, कहाँ गई थी तू? लो बाहर तुम गई थी, पूछ मुझसे रही हो मैं कहाँ थी। मैं तो मंदिर गई थी। माँ मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज तेरा जन्मदिन है और आज भी कॉलेज जाएगी? माँ तेरी बेटी के जन्मदिन पर नेशनल हॉलीडे तो होता नहीं है, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब तू शाम को आएगी ना तो मुंह मीठा कर दूंगी। अच्छा माँ, बाय। बाय। सुमन, सुमन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, प्लीज आप जाइए यहाँ से। देखो आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। डोंट टच मी। सुमन, 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 सुमन मेरी बात सुनो। सुमन, ए, ए रुको, क्या तकलीफ है तुमको? मैं पूछता हूँ तुमको तकलीफ क्या है? जी जी मैं तो देखो अपना भला चाहते तो ये सब मत करना, समझे? मैं तो कुछ भी कर दूंगा। तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहन? हाँ मेरी बहन है। तुम भाई हो? हाँ मैं उसका भाई। आइंदा उसे परेशान करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। देखो देखो मेरी बात सुनो। बात क्या करता है? दम है तो हाथ बता। दम तो बहुत है मेरे हाथों में मेरे भाई, पर इस पल मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हुए? मैं छोड़ता हूं तेरे हाथ। चल यार। अरे क्या कर रहा है अर्जुन? जाओ यहां से, ये शरीफों का मोहल्ला है। चलो अर्जुन। अरे रुक। अरे अर्जुन, अरे क्या कर रहा है? छोड़, हटो। जाने दे यार। चलो जा अर्जुन। हां बोल, जिंदा रहना चाहता है तो बोल सबके सामने, ये तेरी बहन है। बोल के ये तेरी बहन है। तुम मेरी बहन हो। ए, तुम नहीं, आप बोल। छोटी है मुझसे। क्या? हाँ। ये तो कोई पागल लगता है। चलो अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। अपनी बदनामियों के साए में रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। तुम मुझे भूल गई हो लेकिन मैं तुम्हें अब भी याद करता हूँ। मैं तुम्हें अब
एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। यहां रहता हूं मैं, लेकिन यह मेरा घर नहीं है सुमन, मेरा मकान है। घर तो घर वालों से होता है। तो घर चलो, अब तो जानते हो कि घर कहां है। जानता हूं, मगर मेरे और घर के बीच में जो फासले हैं वो भी जानता हूं। आज तेरा जन्मदिन था, तुझे चूड़ियां बहुत पसंद थी ना, मैं तो तेरे लिए चूड़ी लेकर आया था और तूने मेरी बात भी नहीं सुनी। माँ से बात करूं? नहीं अभी नहीं, बात और बिगड़ जाएगी। तो कब कब मिटेंगे ये फासले, कब आ सकोगे तुम घर? ये फासले जिंदगी ने दिए हैं सुमन, एक दिन जिंदगी को रास्ता दिखा। करण। अरे विनोद, विनोद ये है मेरी बहन सुमन। हेलो। और ये है विनोद, इनके पिता के बड़े एहसान है मुझ पर, अगर ये लोग ना होते तो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिएगा। अगर आपने करण भैया के लिए कुछ किया है तो आपका हम पर भी एहसान है। लो भाई, इन्होंने तुम्हारी सगी बहन होने का पूरा सबूत दे दिया। Excuse me. करण आपके बारे में बहुत बातें। अच्छा, क्या बताते हैं? हेलो करण, आज रात तुम्हें 9 बजे ट्रेड सेंटर पर एक आदमी से मिलना है। कौन है वो आदमी? ये बानी तुम्हें सब कुछ बता देगी, अभी तुम यहाँ आ जाओ। सॉरी सुमन, मुझे अभी किसी काम से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत देर हो गई है। विनोद, तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ? तुम सुमन को घर छोड़ दोगे? हाँ, क्यों नहीं, आइए। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आज इतनी देर से आई? हाँ थोड़ी देर हो गई। कहाँ रहते हो तुम लोग? एक भाई है तुम्हारा, अच्छी नौकरी ढूंढी है, कभी सुबह की ड्यूटी कभी रात की ड्यूटी, पता नहीं क्या मजा आता है लोगों की तलाशियां लेने में। माँ, तुम्हें कभी एक ख्याल आता है क्या? अगर कभी करण भैया का पता लग जाए तो? कैसे नहीं आएगा। आज तुझे एक बात बताऊं, जब भी करण के बारे में याद करती हूँ दिल तरसता है, वो वाजे है, लेकिन साथ साथ डर भी लगता है। जब वो घर से गया था पुलिस ले गई थी उसे, कहीं जिंदगी उसे गलत रास्ते पर ना ले गई हो। वो मुझे ऐसे रूप में ना मिले कि मुझे उसे दोबारा छोड़ना पड़े। माँ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तुमने तो बेकार में अपनी आंखें भिगो ली। लो, मैंने गुलदस्ते से फूल ही काट दिया। Hands up!
रुक जाओ। अगर तुम इस औरत की जिंदगी चाहते हो तो मुझे ठहरने को नहीं कहोगे। मैं जा रहा हूं। लक्षणा देवी, 26 सितंबर की रात को 9:30 बजे आपके साथ कोई खास वाक्या हुआ? जी हाँ, मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी कि पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। अचानक एक आदमी मेरे पास आया और मुझे पकड़कर मेरे सर पर पिस्तौल लगा दी। वो आदमी जिसने आपके सिर पे पिस्तौल रखी, उसे पहचान सकते हैं आप? क्या वो इस वक्त अदालत में मौजूद है? जी हाँ, सामने कटहरे में खड़ा है। क्या आपको पूरा विश्वास है? मैं इसकी शक्ल कैसे भूल सकती हूँ? थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं अदालत की इजाजत से कुमारी सुमन देवी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सुमन देवी, 26 सितंबर की रात को जिस आदमी ने आपकी मां के सर पे पिस्तौल लगाया, क्या आप उसे पहचान सकती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उस आदमी को पहचान सकती हैं? जी हां, पहचान सकती हूं। सामने कटहरे में खड़े इस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखिए, क्या ये वही है? जवाब दीजिए सुमन देवी, क्या ये वही है? जी नहीं, ये वो आदमी नहीं है। गौर से देखिए सुमन देवी, क्या ये आदमी वो नहीं है? ऑब्जेक्ट मिलोर, सरकारी वकील गवाह को मजबूर कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यस सुमन देवी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि इसकी क्या वजह है कि आपका बयान आपकी माँ के बयान से अलग है? मेरी माँ ने पहचानने में गलती की है क्योंकि उनकी आंखें बहुत कमजोर है। सुमन, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। सुमन देवी, क्या आपको इस बात से भी इनकार है कि आप मुलजिम को बहुत पहले से जानती हैं? आप उससे छुप छुप कर मिलती हैं। आपके और उसके ऐसे संबंध है जिसकी वजह से आप झूठ बोल रही हैं। I object, my lord। सरकारी वकील सुमन देवी की इज्जत पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। आपको गवाह से कोई और सवाल करना है? जी नहीं। सुमन देवी, आप जा सकती हैं। अदालत सुलक्षणा देवी को दोबारा गवाहों के कटघरे में बुलाना चाहती है। सुलक्षणा देवी, क्या यह सच है कि आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं? जी नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। सुलक्षणा देवी, क्या आप बता सकती हैं कि यह कितनी उंगलियां हैं? लेकिन तूने झूठी कमाई क्यों समझाने की कोशिश की? बता। मैं बताता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसमें शायद सुमन का दोष नहीं है, हमारा है। हम शायद सुमन को वो सब कुछ नहीं दे सके जो इसे चाहिए था। ये देखो, ये इसकी अलमारी में था। कहां से आया तुम्हारे पास ये सोने का कड़ा? बोलो, क्या इसके लिए तुमने झूठी कमाई दी है? Oh, my God.
वो हमारा करण है, वो अपना करण है माँ। क्यों रोती हूं मां? देखो तुम्हारा दूसरा बेटा भी मिल गया। उठो, गले से लगाओ उसको। वाला मुजरिम, कोई बदमाश, कोई बेईमान है। मेरी एक बेटी और सिर्फ एक बेटा है। अगर तुम ये कहो कि मैं कानून तोड़ता हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम ये कहो कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम यह कहो कि मैं बेईमान हूं, मैं बदमाश हूं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम यह कहो कि तुम्हारा एक ही बेटा, तो मैं कहूंगा झूठ, इसलिए कि तुम्हारे दो बेटे हैं। आज मैं ये कह रहा हूं, कल तुम कहोगी कि तुम्हारे दो बेटे हैं। ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जिन्हें एक पल जो मैं नहीं भूला, पाना चाहा सदा जिन्हें फिर से, जिनकी यादों को पूजता मेरा, पाया और खो दिया उन्हें फिर से, पाया और खो दिया उन्हें फिर से। क्या सोच रहे हो करण? सोच रहा हूं कि जिंदगी क्या कुछ दिखा देती है। वक्त सब कुछ बदल के रख देता है। सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया है करण? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हारी माँ ये जानते हुए भी कि तुम पाप के रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें अपना लेती, तो ये वो माँ नहीं होती जो तुम्हें याद है। उसने तुम्हें नहीं अपनाया, इसका मतलब वो नहीं बदली। ये तुम्हारे वही बचपन वाली माँ है करण। तुम ठीक कहते हो विनोद। मैं आज ही जाकर मां को बताता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो उसे पसंद नहीं। मैं ये सब छोड़ दूंगा। और फिर उसे मानना ही पड़ेगा कि उसके दो बेटे हैं। खुशराम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हैं। ये कोर्ट के बैलिफ हैं श्री मेहता जी, और इनके हाथ में ये कोर्ट का नोटिस है। आपकी लीज खत्म हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर आपको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए था कि मैं क्यों सोचूं?
ये क्यों ना सोचूं कि इस दुकान के खड़े खड़े मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख? हाँ। लेकिन 5 लाख मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। अरे तो तरकीब मैं बतलाता हूँ ना आपको। मेहता जी जरा फूटिए फूटिए। देखिए आपके समझाने से तो मैं समझूंगा नहीं, लेकिन अगर आपकी बेटी सुमन मेरे घर आए, मुझे समझाए और अक्सर समझाती रहे तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा। समझ गई आप? क्या समझी? मैं ये समझी कि आज तक मैं तुम्हें जितना कमीना समझती थी तुम उससे ज्यादा कमीने हो। एक लफ्ज अपनी जुबान से और निकाला तो दांत तोड़ दूंगी। हाँ जी ना, अब मैं जबान से लफ्ज नहीं निकालूंगा बल्कि आपको दुकान से निकालूंगा। 7 दिन रह गए हैं सुलक्षणा जी, बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए। जयराम जी की। आइए मेहता साहब। आओ करण आओ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ काम है। कहो। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया मिल जाएंगे अभी? 47, 48, 49 और ये 50। गिन लिए? जी हाँ, पूरे 5 लाख। मुझे तो पहले ही मालूम था, आपने खामखा गिनवा दी। खुशीराम जी मैं पेमेंट के बारे में बहुत खरा आदमी हूँ। आपकी दुकान का पेमेंट तो हो गया। जी हाँ। अब आपकी जबान का भी पेमेंट होना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम? कमाल है, सुलक्षणा देवी से जो बदतमीजी की थी आपने उसका कुछ हिसाब किताब तो होना चाहिए। मैं समझाने की बात क्या है? आप बात समझाने के लिए तो आप सुमन को बुला रहे थे जो आपकी औलाद के बराबर है, मगर मैं सुमन से थोड़ा बड़ा हूं, मैं आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह समझा सकूं कि आपको सुलक्षणा देवी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मोहन किशन कहां मर गए तुम लोग? कहां मर गए तुम लोग? जल्दी बचाओ मुझे। शोर मत करो खुशीराम, शोर से मेरे सर में दर्द हो जाता है। क्यों ना मैं तुम्हें गोली मार दूं, फिर पूरा सन्नाटा हो जाएगा। मगर कहां मारूं? इस मुंह पे जहां से वो गंदे शब्द निकले थे, या इन आंखों पर जिन्होंने औलाद बराबर लड़की को पूरी नजरों से देखा, या इस खोपड़ी पे जिसमें गंदा और घटिया दिमाग बसता है? मैं क्या करूं? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ तो नहीं करना चाहिए मगर कर देता हूं। अब सुनो, तुम्हें दुकान का पैसा मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अब कल से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए सुलक्षणा देवी, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। नहीं सुलक्षणा देवी, जब तक मैं आपके चरणों पर सर रख के माफी नहीं मांगूंगा, मुझे मुझे मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपके चरण? नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे माफी मांगने दीजिए। आपके चरणों पर मैंने आपको क्षमा कर दिया है, उठ जाइए। माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ माँ उठ जाइए। लीजिए मैं खड़ा हो गया। माँ जी ये दुकान के कागज है, दुकान के कागज है। माँ जी भगवान करे आपकी दुकान बच्चों से, मेरा मतलब है फूलों से हरी भरी रहे। दुकान के सारे कागजात वापस कर दिए। खुशीराम में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आया? हैरत तो पहले मुझे भी हुई, बहुत पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि सारी प्रॉपर्टी में उसका भाई भी पार्टनर है। और जब उसके भाई को ये पता चला कि वो हमको दुकान से निकाल रहा है तो बहुत नाराज हुआ, इसलिए खुशीराम ने कागजात वापस किए। कमाल है, इस दुनिया में कौन कब और क्यों क्या कर देगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा माँ कि भाई हो तो ऐसा।
कामत साहब, आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ काम है, कहिए मुझे क्या करना है। हाँ करण, तुम्हें हॉलैंड जाना होगा। शर्मा तुम्हें वहां एयरपोर्ट पे मिलेगा। रतन ढोलकिया का भाई महेश ढोलकिया वहां कहां किस होटल में ठहरा हुआ है ये सब तुम्हें वो बता देगा। और सुनो, महेश ढोलकिया वहां हीरों का सौदा करने गया है। एक बार हीरे उसके पास आ जाएं तो फिर वो किसी भी तरह तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर तुम वो हीरे लेकर इस मुल्क में चले आना। काम थोड़ा आड़ा तिरछा है। जो एक मिनट में 5 लाख रुपए दे सकता हूँ, काम आड़ा तिरछा ही बताएगा। कैसे करूंगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, मगर आपका काम हो जाएगा। कब जाना होगा? कल। मिस मधु सेन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हैरान तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए कि अब तुम जैसे लोग भी प्लेन में सफर करने लगे। देख लीजिए, कौन कहता कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो तुम हॉलैंड जा रहे हो? जी नहीं, आधे रास्ते में चलती प्लेन से कूद जाऊंगा। माफ कीजिएगा मैडम, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे भाई, जब ये प्लेन हॉलैंड जा रहा है तो मैं भी हॉलैंड ही जा रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे मैं हॉलैंड क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों पूछूं? जब तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं हॉलैंड क्यों जा रही हूँ। चलिए पूछ। पिछले महीने मैं मिस इंडिया चुनी गई हूँ और अब मिस एशिया के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ, समझे? क्या बात है, वाह! कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप। याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आप किस बुरे हाल में थी, रहने तक का ठिकाना नहीं था। वो तो किस्मत से उस दिन मैं आपको मिल गया वरना। जी हाँ जी हाँ, मैं तुम्हारा एहसान भूली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी सीट पे बैठिए और सीट बेल्ट फास्टन कीजिए, आगे मौसम खराब है। प्लीज। और एक बात सुन लो मिस्टर करण, एक बार मैं तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे अरे, आखिर ये क्या कर रही हैं आप? उठ रही हूँ और क्या कर रही हूँ मैं। अभी अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आइंदा आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगी, और कहते ही क्या हुआ? ये बेल नहीं खुल रहा है, जरा घंटी मार के एयर होस्टेस को बुला देना प्लीज। मैडम अभी आप मेरे और घंटी के बीच में आ चुकी हैं, ये घंटी आप ही बजा सकती हैं। ये क्या मुसीबत है। ये कुर्सी की पेटी खुल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं क्या बहाना बना रही? What do you mean? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं अपने आप को जो कुछ भी समझू, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। किन बातों की वजह से? यही कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो कमबख्त गोद में खिला, और मुझे ये गोद में खिलाना विलाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मुझे मालूम होता तुम इस फ्लाइट में आने वाले हो तो मैं किसी और फ्लाइट से आती। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर में हमारा विमान हॉलैंड के हवाई अड्डे पे उतरने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है तब तक मैं यही बैठी रहूं? जी। देखिए देखिए मैडम, मर गया। अगर आप इस तरह जलबन मछली नृत्यपिन बिजली का डांस करती रहेंगी तो मेरी ये दो हड्डियां जो बची हैं वो भी टूट जाएंगी। शट अप। दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान हॉलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम पहुंचेगा। थैंक गॉड। अरे जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। हॉलैंड। हेलो। हेलो मिस्टर करण, welcome to Holland. Mahesh Dholakia is staying at the Hilton Hotel. The diamond deal is at the leather shop. Thank you. Here are your diamonds. Thank you.
मेरे हीरे। आपका ये हीरे का बटवा लेकर एक लड़की वहां भागी है। थैंक यू। करण, 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 आपको आपका ताज कैसे लग रहा है? कल दुनिया ने मुझे खूबसूरत कहा तो आज दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगी। मिस मधुसेन, आपको जो क्राउन मिला है उसकी वजह से कस्टम में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, इस क्राउन के हीरे असली नहीं नकली होते हैं और ये बात तो हिंदुस्तान के कस्टम ऑफिशियल्स भी जानते होंगे। आई डोंट थिंक आई विल हैव एनी प्रॉब्लम्स। आपसे एक और सवाल, आप फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी? जी नहीं। अरे मेम साहब, आप देखिए दुनिया कितनी छोटी जगह है, कहीं ना कहीं हम लोग मिल ही जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो? अरे ये तो आप गा के भी कह सकती हैं, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। और सुनिए, आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए आई थी, क्या हुआ, निकाल दी गई क्या? परसों यहाँ की एशियन सोसाइटी ने मुझे मिस एशिया चुना है, समझे? आप और मिस एशिया, क्या कह रही हैं आप? फंक्शन क्या किसी ब्लाइंड स्कूल में था? जी नहीं। और अगर आपकी आंखें हो तो ये देखिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब आप अपना रास्ता देखिए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मेम साहब, मैं भी कुछ शॉपिंग कर लेता, एक आध रुमाल या मोजे खरीद लेता, अगर आप मुझे मेरे वो 20 रुपए वापस कर देती। तुम रहे वहीं के वहीं, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। जी, मुझे देखो, आज मैं ब्यूटी क्वीन हूँ, मिस एशिया हूँ और तुम वही फटीचर ड्राइवर। पिम साहब, मेरे 20 रुपए। मगर मुझे क्या, दे दे मेरा दे दे तू 20 रुपया, दे दे मेरा दे दे तू 20 रुपया, 20 रुपीज माय 20 रुपीज, दे दे मेरा दे दे, दे दे मेरा दे दे तू 20 रुपया। We'll be right back.
रुपया दे दे, 20 रुपया मेरा, 20 रुपया, 20 रुपीज माय 20 रुपी, 20 रुपया मेरा, 20 रुपया, 20 रुपीज माय 20 रुपी। Idiot. $20. I'll just give you. Thank you. मेरा बैग मुझे वापस दो। कमाल है, भलाई का जमाना ही रहा। एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप चिल्ला रही हैं। जरा चेक कर लीजिए आपके वो ब्लाइंड स्कूल का क्राउन है कि नहीं। Thank God. आप हिंदुस्तान कब जा रही हैं? Shut up. चलिए मैडम, हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा होगा, लेकिन आप किस खुशी में प्लेन से उतर के मेरा इंतजार कर रहे हैं? अजी, मिस एशिया के साथ हमें कोई देख लेगा तो हमारी भी इज्जत हो जाएगी। क्यों? लाइए ये बैग उठाता हूँ। शुक्रिया। देखिए, हम तो आपका बोझा हमेशा उठाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप थैंक यू। कैन आई टेक योर फोटोग्राफ प्लीज? एक मिनट एक मिनट। भैया आप भी कैसे प्रेस फोटोग्राफर हैं, इनका क्राउन भी तो इनके सर पे होना चाहिए। क्यों? गुड आइडिया ना। यहाँ सर पे क्राउन? नहीं नहीं मैडम, ओके। थैंक यू मैडम। ये हुई ना बात। एक सेकंड एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैडम, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपका कस्टम क्लियरेंस हो चुका है, आइए। बाय बाय मिस मधुसेन। ये कब से? मुझे आपकी और आपके बैग की तलाशी लेनी है। तलाशी जरूर ले लो, मगर मुझे आप तो मत कहो। बैग दीजिए, फॉलो मी। ये यूं ही सफर में टाइम पास के लिए। पूछ सकता हूं तलाश किस चीज की है? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। हमारी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट है कि तुम्हारे पास कुछ गैर कानूनी हीरे हैं। हीरे मेरे पास? ये एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बहुत बाद आए हो इस दुनिया में। बता तूने रुपए का छुपाए? मैंने नहीं लिए रुपए, बता। ये तलाशी बड़ा अजीब काम है, जिसे ढूंढो वो ना मिले तो बड़ा जी चलता है। चलो तुम तलाशी के नाम पे गले तो लगे। अरे हाँ, ये टोपी भी देख लो। अरे इसमें भी नहीं, और ये सर भी। हीरे तो बालों में भी छुपाए जा सकते हैं।
आप जरा उधर देखेंगे, तब तक मैं आपके ताज से असली हीरे निकाल कर ये नकली लगा देता हूं। हो गया, आ गई, नहीं तो मैं जाने वाला था। तुम हाँ, मैं तुम्हारी मेरे घर में इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है, एक दिन तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे घर आओगी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता? बदतमीज, तुम्हें आए कैसे? जानना चाहती क्यों आया था? चोरी करने आया था। चोरी बेईमानी यही काम है मेरा। जो हीरे मैंने तुम्हारे ताज में छुपाए थे वो वापस लेने आया था। समझी, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। पर ये काम छोड़ दूंगा और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मिस एशिया, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अरे जाओ, बहुत है मुझसे शादी करने वाले। किसी के सामने आंख उठाकर तो देखो, उसे और तुम्हें दोनों को जान से मार डालूंगा। अब जाओ, फिर आऊंगा, सच आऊंगा। गुड बाय मिस एशिया। हीरे तो वो देवराज कामत को ही देगा ना? हाँ साला, वो करण जब देवराज कामत को हीरे देगा तो देवराज कामत के तो बांचे खिल जाएंगे। साला मेरे हीरे, मेरे हीरे। ये हीरे छीनकर तुमने रतन ढोलकिया की इज्जत दो कौड़ी की कर दी। तुम्हें वाकई इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। रतन ढोलकिया का सोना कल डॉक्स पर आ रहा है। वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा, ये इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। साहब, आपकी ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठी? अर्जुन, सुबह जो मैंने तुमको फाइल दी थी वो ये है। अरे क्या पढ़ रहे हो यार? मेरे नाम एक गुमनाम चिट्ठी आई। सुनो, अपोलो नाम के एक जहाज से आज करोड़ों का सोना उतार के डॉक्स के बाहर ले जाया जाएगा। अगर तुमने ये सोना पकड़ लिया तो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में मिठाई में खुद ही खरीद के खा लूंगा। अरे तुमसे किसी ने मजाक किया होगा यार। ये क्रेट्स खोलो। Yeah!
माँ माँ ये देख तेरे बेटे की तस्वीर छपी है पेपर में। मशहूर आदमी हो गए हैं अर्जुन भैया। एक दिन तू भी मशहूर होगा क्योंकि अखबार में मुजरिमों की तस्वीर भी तो छप गई। मां तुम ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती हो तुम? दिल किसने किसका दुखाया है कभी अकेले में सोचा? इस तरह जीने पे मजबूर हुए जिसको चाह उसी से दूर हुए। हमने जो प्यार के देखे सपने सारे शीशे की तरह चूर हुए चूर हुए। संघर्ष है जीवन एक संघर्ष है जीवन एक संघर्ष है जीवन एक संघर्ष है। ये साला कस्टम ऑफिसर अर्जुन हमको साला पहले भी कई बार तकलीफ दे चुका है। भाई साहब मैंने सब पता लगा लिया है और अगले बार की तरकीब भी सोच ली है मैंने। इस कस्टम ऑफिसर की एक बहन है, अपना अगला कंसाइनमेंट आते ही उस साली को उठा लेंगे। और अगर वो अपनी बहन की जिंदगी चाहता है तो ठीक है ना भाई साहब? अच्छा सोचा है मगर पूरा नहीं सोचा है। अगर उठाना ही है तो कानून नहीं उठाओ ना जिंदगी भर के लिए। क्या मतलब? सोच अगर तेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए तो वो अफसर तो साला जिंदगी भर के लिए मजबूर हो जाएगा ना। और जो काम कानून के अंदर रहकर हो सकता है उसके लिए कानून के बाहर जाने की क्या जरूरत है? तू मानता ना मेरे बेटे को? मानता हूँ भाई साहब, मगर वो लोग मेरी शादी उस लड़की से क्यों करेगी? क्या बात करता है? अरे तू रतन दौलतिया का भाई है। रतन दौलतिया दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बिल्डर है। अरे बड़े बड़े शरीफ लोग को मैं बीच में डाल दूंगा। तू देख तेरी शादी हो जाएगी। देखिए हमें अपनी लड़की के लिए न धन दौलत चाहिए न महल दो महले, बस एक ऐसा परिवार जहां से इज्जत मिले प्यार मिले अपनाइयत मिले। मिल गई क्या बोली आप? इज्जत प्यार और अपना बनना मिल गई, तीनों आइटम मिलेगी आपको तीनों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलेंगे लक्ष्मण बहन, बात यह है कि ढोलकिया साहब बातचीत में बहुत सीधे आदमी है, पर आप इत्मीनान रखिए। ओझा साहब जी, हम आपको कई बरसों से जानते हैं भाई, आप कह रहे हैं तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे। आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी होगी अगर एक बार रिश्ता हो जाए। और एक बार रिश्ता हो जाए ना, एक बार, तब आपको पता चलेगा हम लोग कैसे लोग हैं। एक बार हो जाना चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, है कि नहीं? लेकिन एक बार लड़के को देख लेते तो? मेरे को देखो उसको देखे एक ही बात है ना। चलो फिर भी देख लो उसको, देखो उसका हाइट बॉडी उसका फेस कट। अरे जब वो गाड़ी में बैठकर निकलता है लोग उसको थोड़ी दूर से देखते तो आवाज मारते उसको, ये जितेंद्र जितेंद्र। पूछो आप शर्मा जी, लड़का तो पढ़ा लिखा है ना? हाँ हाँ पढ़ा लिखा है। हाँ भाई हाँ, वो तो मैं ही अंगूठा छाप हूँ, लेकिन उसको तो मैंने पढ़ा है। क्या अंग्रेजी बोलता है वो? सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड नाइट। अरे बड़े बड़े अंग्रेज लोग हिल जाते हैं। मैं आज ही बैठता हूँ आपके पास, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लो, मगर मेरे को चट मंगनी और पट ब्याह करना है। हाँ ठीक है, मगर हम एक बार लड़के को देखना चाहते हैं। तुमसे एक बात कई दिनों से पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम्हारी करण भैया से इतनी वर्षों की दोस्ती है, तुमने कभी उन्हें समझाया नहीं? क्या? यही कि जिंदगी में जो वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। समझाया, कई बार समझाया। तो तुम समझते हो कि वो ये सब कभी नहीं छोड़ेंगे? सुमन, जुर्म की जिंदगी एक ऐसा धागा है जिसमें अगर एक बार आदमी उलझा तो बस उलझता ही जाता है। फिर भी उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि एक दिन वो अपनी जिंदगी सुलझा ही लेगा। अच्छा विनोद सुनो, तुम हमेशा मुझे यहीं पे क्यों रोक देती हो? क्योंकि अगले मोड़ से मेरे घर की गली शुरू होती है। तो क्या मैं तुम्हारे घर की गली में कभी नहीं आऊंगा? आओगे,
पर पहले मैं किसी तरह अर्जुन भैया और माँ को तो समझा लूं, वरना उनके लिए तो तुम्हारे खिलाफ इतना ही काफी है कि तुम करण भैया के दोस्त हो। हाँ मैं समझता हूँ, और तुम सही वक्त देखकर माँ से हमारे बारे में बात जरूर कर लेना। ठीक है, अब मैं चलूं। बाय बाय। कैसी हो माँ? आ गई तू? हाँ आ गई। एक बात तो बताओ माँ, माए ऐसा सवाल क्यों करती है जिनका जवाब भी उन्हें पता होता है? ज्यादा बड़बन मत कर, बैठ इधर। लो बैठ गई। तुझे एक ऐसी बात बताऊं जो तुझे ही पता नहीं? वैसे मैं भी तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली थी जो तुम्हें पता नहीं, मगर तुम माँ हो ना, तुम पहले। मैंने बहुत अच्छी जगह तेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? हाँ, आज वो लड़का आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे विनोद, कहाँ हो आजकल, दिखाई नहीं देते। मुबारक हो करण। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? तुम नहीं जानते, सुमन की शादी हो रही है। सुमन की शादी हो रही है? किससे? अर्जुन। जी माँ। बाहर शुक्ला जी आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा, आप लोग बैठिए। जी अच्छा। आइए शुक्ला जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए। तुम यहाँ क्या करने आयो? मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। क्या मतलब? महेश ढोलकिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी इस काबिल नहीं कि कोई शरीफ लड़की से शादी करे। क्या बकवास कर रहा हो? इस शहर के इज्जतदार लोग हैं, इसका बड़ा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। रतन ढोलकिया जो बिजनेस करता हो तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते, और तुम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ये भी नहीं जानते। देखो, ये शुभ अवसर है, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अपनी मनहूसियत और पागलपन लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही होगा। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जाऊंगा। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारे बालो शशि स्वाहा। राहु केतव सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाधिकारिणि नमस्तुते। शरणागत दीनार्थम परित्राण। रुक जाओ यहीं। करण, तू यहाँ क्यों आया है? कौन भाई होगा जो सुनेगा कि उसकी बहन को बर्बादी के घाट उतारा जा रहा है और उसे बचाने नहीं आएगा? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी अशुभ बात करते हुए? शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मेरे अपने मेरी बहन को इन दरिंदों के हवाले करने को तैयार है। सुन देवी, कौन है आदमी जैसा बदतमीजी से हमारे साथ बात कर रहा है? ये शायद जानता नहीं हम लोग कौन है वो। मुझसे ज्यादा तुम लोगों को यहाँ कौन जान सकता है रतन ढोलकिया? ये शादी के फेरे मेरी लाश पर से गुजर के ही हो सकते हैं। हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेइज्जती तो उनकी होती है महेश ढोलकिया, जिनकी कोई इज्जत हो। चले जाओ। आउट। महेश चल। चलो। भाई साहब, भाई साहब, देख लिया ना किस मुंह से तू अपने आप को सुमन का भाई कहता है। तेरी वजह से उसकी बारात वापस लौट गई। इसकी बारात नहीं, बर्बादी वापस लौटी है। सुमन ने जिसे अपना जीवन साथी चुना है उसे मैं अपने साथ लाया हूं। आओ विनोद। कौन है ये? सुमन जानती है मां, सुमन की शादी अभी होगी, इसी वक्त होगी और इसके साथ होगी। तू क्या समझता है सुमन मेरी मर्जी के खिलाफ जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती मां? तो मेरी मर्जी तक नहीं पूछी, लेकिन तूने तो मुझे बताया नहीं। अब तुम मुझसे इसके लिए? किसके लिए? ये मेरा भाई है, मेरा भाई जिसे मेरी और मेरी मर्जी का ख्याल है। सुमन,
आओ विनोद, चलो सुनो। पंडित जी तैयारी शुरू कीजिए। जी अच्छा, आइए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाव्यस्थां गतोपि वा यः समृद्ध पुंडरीकाक्षं वायाव्यंतर शुचि। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। तुमने मुझे तो अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है, मगर सुमन तुम्हारी एक ही बेटी है। अगर वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो उसे अपने आशीर्वाद से महरूम नहीं करो। रुक जाओ, यही ठीक रहेगा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता दित्या देवता वसवो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता यौ शांतिरंतरिक्षगौ शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति सामा शांतिरेधि सुशांत्र भवतु गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहमजा। अब आप आशीर्वाद दे दीजिए। आओ सुमन, मां और अर्जुन भैया का आशीर्वाद लो। हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, यही दुआ है तुम्हारे बदनसीब भाई की। करण भैया, आज एक नई जिंदगी में जा रही हूँ, ये जिंदगी भी तुम्हारी दी हुई है, और इस पर अगर कुछ और मांगू तो वो भी दे दोगे? मेरी जिंदगी मांग कर देखो। बस इतना वादा दे दो कि जिंदगी में जो गलत काम कर रहे हो वो सब कुछ करके बाद छोड़ दोगे। अखिल, इतना मामूली तोहफा मांगा अपनी शादी पर, कल से क्यों, आज से छोड़ दिया सब कुछ, अब तो खुश है? करण भैया, शिवानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑपरेशन करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करा करो। तो तुमने सोच समझ कर फैसला कर लिया है? जी कामत साहब, जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से मेरे रास्ते आपके रास्ते से अलग हैं। मैं चाह रहा हूं ये चाबियां आपके बंगले की और कार की, आपने जो कुछ भी दिया था वो लौटा रहा हूं आज, मगर आपके एहसान फिर भी याद रहेंगे। नमस्ते। इसको मेरे एहसान तो याद रहेंगे, मगर एक बात भूल गया, ये भूल गया ये जिंदगी जो मैंने इसको दी है एक महल की तरह है, और इस महल के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। विजय कुमार, इसकी मुश्किल आसान कर दो, गोली मार दो इसको। हाय। तुम? हाँ मैं। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं जुर्म और बेईमानी का धंधा छोड़ दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। सो मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं मिस एशिया। वादा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और तुमने मजबूर होकर मुझसे वादा किया। छोड़ो अब इन पुरानी बातों में क्या रखा है, खुशी की बात तो यह है कि मैं आ गया हूं। हां कि ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो, और क्या समझते तुम मुझको? तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। तुम समझते हो कि ऊपर ही ऊपर से मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ लेकिन दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी हूँ। तुम समझते हो कि एक दिन तुम मेरे घर आके दरवाजे की घंटी बजाओगे, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम कहोगे हाँ, मैं कहूंगी हेलो, तुम कहोगे मुझसे शादी करोगी, मैं कहूंगी हाँ क्यों नहीं। यही समझते ना तुम? हाँ समझता तो कुछ ऐसा ही हूँ। तो एक बात सुन लो मेरे हीरो, तुम ठीक समझते हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी,
क्या 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 खुशी के मारे बहरे हो गए हो क्या? बहरा नहीं, पागल हो गया हूँ। चांदनी से हसी जिसका नहीं है जवाब कहीं कुमार। मैंने उस मैकेनिक को रास्ते से उठाकर एक गाड़ी दी, बंगला दिया और तुमने देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया। देवराज कमल, तो ट्रिगर भी दबा सकता हूं
मगर जिंदगी में तुम कभी मेरे काम आए हो, इसलिए छोड़ देता। अब सुनो जो मैं तुमसे कहने आया हूं। आज से मेरा और तुम्हारा हिसाब साफ। अगली बार अगर आया तो मैं तुमसे बात करने नहीं आऊंगा, समझे? क्या बात है सर, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? क्या आप समझते हैं मैं बेईमान और करप्ट हो गया हूं? बैठो अर्जुन, बैठो। अर्जुन, तुम्हारी बहन की शादी में कस्टम के काफी लोग आए थे और उसके बाद यह खबर ऊपर तक पहुंची कि तुम्हारा भाई कौन है। ऊपर से यह ऑर्डर मिला कि तुम्हें कोई ऐसा काम ना दिया जाए जहां तुम अपने भाई की किसी भी तरह की मदद करने की पोजीशन में हो। इसका मतलब मुझे अपने भाई के गुनाहों की सजा दी जा रही है। आई एम सॉरी अर्जुन, बट मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। कल हम मां के पास चलेंगे मधु। कल मैं कहूंगा, मां आज तेरा बेटा अपने सारे पाप धोकर तेरे पास वापस आया है। जिन बुराइयों पर तुझे एतराज था वो मैंने छोड़ दिए हैं। जिस जिंदगी को तू गलत समझती थी मैंने उसे बदल दिया है। आज तू गर्व के साथ कह सकती कि तेरा एक बेटा नहीं तेरे दो बेटे हैं। तू कह सकती है कि मधु ये यही है मेरी माँ। माँ मैं तुम्हारे पास आने वाला था ये बताने के लिए। तू मुझे क्या बताएगा, बताने तो मैं आई हूं तुझे। तुम्हारी जिंदगी के जिस हिस्से पर तेरा साया पड़ जाए वहां दुख और जिल्लत के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। तूने खुद को तो बर्बाद कर ही लिया है, तसल्ली नहीं हुई तुझे? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हमारी जिंदगी में भी जहर घोल रहा है तू? क्या किया मैंने, अब क्या किया मैंने? तेरे नाम के कारण आज अर्जुन की नौकरी खतरे में है। आज उसकी तरक्की रोककर उसे चार सीढ़ियां नीचे उतार दिया है। देख 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 ये कागज, ये सब तेरे वजह से है, तेरे कारण है। मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जब भी मैं कोई उम्मीद लगाता हूं वो टूटती जरूर है। करण तुम्हें एक बात बताऊं, जैसा गुस्सा तुम्हारी मां की आंखों में था वो बिना प्यार के आ ही नहीं सकता। मगर अब मैं क्या करूं? करण, करण मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। ये मधु है, तुम इसके सामने कुछ भी कह सकती हो। वो लोग तुम्हें खत्म करने के प्लान बना रहे हैं। जानता हूं शिवानी, तुम मेरी मदद करोगी? मुझे देवराज कामत के कंसाइनमेंट्स कब कब आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। कामत साहब, हमारा यहाँ ऐसे अकेले? शिवानी मैं जानता हूँ, आओ। देवराज कामत यहाँ, उसकी ये हिम्मत, कितने आदमी उसके साथ? मेरे साथ कोई नहीं है ढोलकिया, सिर्फ शिवानी है। तो क्या मेरे जख्म पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं ढोलकिया, जो आग तुम्हारा घर जला रही है उसी आग की लपेट में मैं भी हूँ। जो आग मेरा घर जला रही है उसका नाम है करण, तुम उसकी लपेट में कैसे आ गए? तुम्हारा आदमी है ना वो? तो वो मेरा आदमी था, अब मेरा दुश्मन है। करण उस कस्टम ऑफिसर का भाई है जिसने तुम्हारे, वो जानता हूं, जानता हूं। तो ये भी जान लो कि वो दोनों मिलकर हमें बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हें भी और मुझे भी। तो क्या चाहते हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो ढोलकिया? मैं तो बड़े साफ दिल के साथ तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती नहीं रहते तुमसे, दोस्ती नहीं रहते, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। दोस्ती मैं साहब के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि ये वक्त आपसी दुश्मनी का नहीं है। भाई साहब, ये खुद हमारे घर चलकर आए हैं और बात भी ठीक ही कह रहे हैं।
अगर हम दोनों एक हो जाएं तो। अरे पागल जैसे बात करता, धंधे में आपस में मुकाबला है तो आपस में एक कैसे हो सकते हैं? तो धंधा एक कर लेते हैं ढोलकिया, क्योंकि अब मिलकर इस मुसीबत से मुकाबला किया जा सकता है। और वो क्या नाम है उसका, वो कस्टम ऑफिसर अर्जुन, उसका क्या करना है? खत्म करवा देंगे, खत्म करवा देंगे। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। देवराज कामत का माल पकड़ना है, एक घंटे के अंदर रेलवे यार्ड में जाओ। जल्दी आओ, चलो। हाँ बस वो बस तीन चार दिनों से बात है, तुम वहाँ चले ना, मुझे वहाँ जाने की कोशिश कर। आपका फोन। हेलो करण, मैं शिवानी हूँ। हेलो करण, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। हेलो Thank you.
प्यार तुमको भी प्यार मुझको भी प्यार तुमको भी प्यार मुझको भी फिर बताओ ये फासले क्यों है दूर ही रहना था अगर हमको कोई समझाए हम मिले क्यों है कोई समझाए हम मिले क्यों है टूटा दिल ये कहता जाए जीवन एक संघर्ष है जीवन एक संघर्ष है जीवन एक संघर्ष है जीवन एक संघर्ष है बच गया सालो बच गया इतना घेर के रखा था साले को फिर भी बच नहीं गया बचा लिया गया इसमें थोड़ा फर्क है और फर्क से हमको फायदा ये हुआ कि ये बात पक्की हो गई कि अर्जुन को इन्फॉर्मेशन करण ही देता है पक्की बात है बिल्कुल पक्की बात है मगर सवाल ये है कि करण को इन्फॉर्मेशन कौन देता है वो भी पता चल जाएगा उससे पहले ये पता चलना चाहिए कि करण से मिलता कौन कौन है उसके लिए हमको उसके घर के सामने 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी 24 घंटे राउंड द क्लॉक जो भी गद्दार है सामने आ ही जाएगा शिवानी 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 हाँ शिवानी की डायरी हाँ शिवानी मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवानी काम धुल क्या दोनों शिवानी करण अर्जुन अब कैसा है तू हाँ मैं ठीक हूँ माँ करण कहाँ है क्यों उसके बारे में पूछता है उसके वजह से ये सब कुछ हुआ है नहीं माँ उसी ने मेरी जान बचाई है हम उसे गलत समझ रहे थे माँ अर्जुन भैया ठीक कह रहे हैं माँ जी क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी दुकान आपके हाथ से निकल रही थी तो किसने आपकी मदद की थी जी हाँ वो करण ही था और ये बात किसी तरह विनोद को पता चल गई वरना करण भैया ने तो आज तक कभी हम पर एहसान नहीं जताया अब मेरी समझ में ये बात आ रही कि पिछले दिनों जिसने फोन पर मेरी मदद की वो कौन था करण नहीं मां वो हमारा दुश्मन नहीं है वो बुरा नहीं है मां हाँ दुश्मन तो मैं हूं उसकी मैं ही बुरी हूं तुम लोग क्या जानो मां के दिल को कैसे दिल पर पत्थर रखा है मैंने वो तो मैं ही जानती हूं और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग कह रहे हो कि मैं मां नहीं मां नमस्कार मां जी आपने समझी तो बनाया नहीं लेकिन अब मैं आपका फैमिली डॉक्टर बनकर आया पूरे परिवार का इलाज अब मैं ही करूंगा ये डायरी रतन ढुलकिया और देवराज कामत को जेल भेजने के लिए काफी है मैं आज ही जाकर कमिश्नर साहब को ये डायरी दे दूंगा हेलो करण हाँ बोल रहा हूँ शिवानी ने तुम्हें जो डायरी दी है वो हम जानते हैं लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारा पूरा परिवार इस वक्त मेरे कब्जे में है इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना हेलो हेलो कौन था देवराज कामत क्या हुआ जो भी हुआ अभी बहुत कुछ होना बाकी है
मैं आप शरीफ लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी। आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए आपका होना ना होना बराबर है। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिए वो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें मैंने इस चूहे दान में इसलिए लाके रखा कि इन पनीर के टुकड़ों के लिए वो चूहा जरूर आएगा यहाँ। और पनीर का ये टुकड़ा बहुत अच्छा कमी है। अरे क्या करता है? हस्बैंड है ना, बुरा तो मानेगा ही ना, मारता है। एक बार मेरे हाथ खोल देते राज। अब आप बेकार की बात मत करो। इतने साल से तुम्हारे हाथ खोले तो तुमने क्या कर लिया जो अब करोगे? रिसेप्शन का मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि यहां तक तो सिर्फ उसकी लाश ही आएगी। ये तो दामोद है। लो करण की लाश आवे, उसके पहले अपने आदमी का पार्सल आ गया। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो, ढूंढो उसे। चलो ढोलक किया। आपके लड़के ने हमें बड़ा परेशान किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर करण कुमार, मिस्टर करण कुमार जहां कहीं भी हो डॉक्टर देवराज कामत के पास आ जाएं। उनकी माताजी ऑपरेशन थिएटर में हैं। चलो मैसेज तो दे दिया। हाँ अब वो समझ जाएगा माँ जी कि उधर उसने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी गर्दन कुड़ू। बदतमीज मर्द है तो मुझसे बात कर। मैं मर्द नहीं, इसका खतरा है। महेश, महेश क्या करता है? लेकिन साली को अंदर रोती है। महेश ढोलकिया कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेश क्या बात है, बेटे और दामाद दोनों को गुस्सा आ रहा है। अब इनकी मरम्मत होनी चाहिए। चलो भाई शुरू हो जाओ। चलो करण,
तुम समझे थे कि तुम बाजी जीत गए, मगर ये भूल गए कि तुरुप का इक्का तो मेरे पास है। लेकिन वो खुश नसीब कितने बेटों की किस्मत में होता है कि अपनी माँ को उसकी आखिरी घड़ी में इतने करीब से देख सके। गुड बाय। सुनने के लिए कर तरस करते हैं माँ, तुम मेरा बेटा है, मेरे एक नहीं दो बेटे हैं, दो बस। अब कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं माँ, सब ठीक हो गया। अर्जुन भैया, करण भैया, देखो
देखो माँ ने मुझे माफ कर दिया। हाँ विनोद, माँ ने मुझे माफ कर दिया विनोद। कोई बात नहीं मधु, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं मरूंगा नहीं, अब तो जीने के दिन आए। शीशे